तो इस वक्त जहाँ पर हम हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे एकदम जो है रेगिस्तान है, और ये लगी हुई है जाली है, तो इस जाली के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। और चारों तरफ से देखिए ये जाली लगी हुई है इस तरह से, और पीछे जो नज़ारा है वो तो देख ही रहे हैं, शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाली है। देखिए तो इस तरह पूरी तरह से लगा दिया गया है जाली। तो रहने के लिए जो कैंप मिला है एकदम वो आउट साइड मिला है, ये पूरा जो है रासलाफान का इलाका है कतर का, और काफ़ी ही कह सकते हैं कि एकदम डिजर्ट इलाका है। और यहाँ पे रासलाफान में रहना होता है, रखने का जो है बंदोबस्त किया जाता है, और जो भी रासलाफान का अंदर होता है उसका जो है वो निज़ाम यही रहता है जो अभी आपने देख रहे हैं हमारे साथ साथ में। हालांकि जो रहने के लिए जो बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए पीछे हमारा जो आपको दिख रहा होगा एक कैंप है, मतलब रिहाइश बिल्डिंग वगैरह बनाई गई है, और ये जो है पीछे मेरा मस्जिद है जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, जस्ट पीछे मस्जिद है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि रहने के लिए जो कैंप बनाते हैं वो अच्छी है, लेकिन इतना ही वो आउट इलाका में बना दिया जाता है जिसके वजह से मतलब आप कुछ दिन में एकदम बोर हो जाएंगे, आपको ना रहने कहीं घूमने न कहीं जाने के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ गाड़ी अगर मिलती है हफ्ता में एक आध बार दो बार, एक आध बार जिसको कह सकते हैं, तो उस गाड़ी से आप आना जाना कर सकते हैं, उसके अलावा आप सोचेंगे कहीं जाने का तो मुश्किल होगा। तो ये मसला है यहाँ पर। और अभी आपको और भी क्लियर दिखाता हूँ मैं पीछे का कैमरे से, ताकि आपको और अच्छे से मालूम पड़े। ये सामने जो है ग्राउंड है खेलने वेलने के लिए, ये देखिए पूरा डिजर्ट है जहाँ पे, पूरा रेगिस्तानी रेगिस्तान है, कुछ भी दूर दूर तक शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं ज़ूम भी करता हूँ, ये देख सकते हैं पूरा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेगिस्तानी रेगिस्तान है। तो ये निज़ाम है भी यहाँ का। सूरज ढलने वाली है देखिए इस तरह से, तो वीडियो हमने यहाँ पर का शूट कर लिया है, और आपको आइडियाज तो लग ही गया होगा कि क्या निज़ाम रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे रहने में कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप कहीं पे जाने घूमने का शौकीन है, या फिर आपको कुछ पर्सनल भी कुछ ऐसा चीज़ें हैं करना होता है, एक्टिविटी कुछ जैसे कुछ खाना हो या कुछ मेडिकल इश्यू हो जाए, तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है अगर यहाँ पे रहने का हुआ तो फिर इसलिए जो है मैंने मन बना लिया कि नहीं यहाँ पर तो रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कहीं जा आ भी नहीं पा रहा हूँ, और जो लाइफ को चाहिए था पर्सनल लाइफ में वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने फैसला लिया कि यहाँ पर जो है और कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, और वापस हम इंडिया जाएंगे। तो इस वजह से हम इंडिया जाने वाले हैं। बैक साइड से जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल रेगिस्तानी रेगिस्तान है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, तो ये है निज़ाम यहाँ का। और देख सकते हैं किस तरह से जो है हम एक तरह का सेंट्रल जेल कह सकते हैं यहाँ पर हम जो है पड़े हुए हैं, और अब हम यहाँ से जाएंगे दूसरे किसी जगह पर जहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा राहत मिले और जहाँ पर रहने में दिल लगे। तो ठीक है दोस्तों, बस यही कहना था, और इतनी कह के हम जो है अभी अपनी बात को एंड करते हैं। आपको आइडियाज तो लग ही गया होगा कि क्यों हम जा रहे हैं, वजह बस यही है कि हम बिल्कुल ऐसे जगह पर रहना पसंद नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स वॉचिंग।